हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल है, शुरू करने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें समझेंगे कि भाई साहब नॉर्मलाइजेशन इस कॉन्सेप्ट की, इस टेक्निक की, इस तकनीक की जरूरत क्या आन पड़ी डीबीएमएस में, नॉर्मलाइजेशन की क्या जरूरत है, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, ये जो भी हम आगे देखने वाले हैं, इसका जो जड़ है, इसका जो बाप है, ये नॉर्मलाइजेशन। तो पहले देखते हैं नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्या है। नॉर्मली अगर आप इंडस्ट्रीज में जाओगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस की तरफ बात करोगे, तो आपके टेबल छोटे छोटे नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि आपके जो टेबल से रिलेशन है उसमें 1, 2, 3, 4 एट्रीब्यूट से बस, ऐसा नहीं होता। कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं, ये होता है आपका एक्चुअल व्यू ऑफ टेबल और एक्चुअल व्यू ऑफ रिलेशन। कई सारे एन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं आपके गिवन रिलेशन में, और उसमें कई सारे एन नंबर ऑफ टपल्स होते हैं। सो यू कैन से इट इज एन बाय एन टेबल, एन बाय एन टेबल। तो सोचो वो टेबल कितना बड़ा होगा, वो रिलेशन कितना बड़ा होगा जिसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स और कई सारे टपल्स हैं, कई सारे एंट्रीज हैं, कई सारे कस्टमर्स के, कई सारे स्टूडेंट्स के, कई सारे क्लाइंट्स के, इंडस्ट्री वाइज डिपेंडेंट आपके रिलेशन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारा डेटा होता है। तो वो डेटा कई कई बार रिडंडेंट भी हो जाता है। रिडंडेंट मतलब रिपीटेड, रिपीट, एक के बाद एक रिपीट होना। कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ पोर्शन, मतलब ये जो मेरा पूरा टेबल है तो उसका ये जो पोर्शन होगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ऐसा हो सकता है कि ये पूरा का पूरा पोर्शन रिपीटेड है। मतलब हर एक एंट्री के लिए ये जो चीज है मेरी रिपीट हो रही है। मतलब जो भी एंट्री यहाँ पे आ रही है, जो भी एंट्री यहाँ पे आ रही है, ऐसे एन टाइम्स जो भी एंट्रीज आ रही है, उन एंट्रीज के लिए इतना पर्टिकुलर जो पोर्शन है एट्रीब्यूट का, वो बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब क्या मे बी ऐसा होगा कि वो जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज हैं, वो उनका एड्रेस एक ही होगा, तो इस बंदे एड्रेस भी वही है, इसका भी एड्रेस वही है, इसका भी एड्रेस वही है। तो क्या हुआ, तीनों एक जगह पर रहने की वजह से, तीनों का एड्रेस एक ही होने की वजह से देयर इज अ रिडंडेंसी। अभी आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन ऐसी जब सिचुएशंस आप लार्ज स्केल पे विजुलाइज करोगे तो कई सारा ये रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ऑन लार्ज स्केल ऐसी रिडंडेंसीज बहुत बड़ी होती है, तो ये नहीं होनी चाहिए। एक और दूसरी चीज बताऊं तो अपडेट एनोमली। अपडेट एनोमली मतलब क्या, कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डेटा ऑब्जेक्ट को या फिर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अपडेट करना है, तो वो क्या हो सकता है, अगर मैं एक जगह पे अपडेट करता हूँ, इफ आई अपडेट, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे जॉब प्रोफाइल आपका किसी एक किसी एक डिपार्टमेंट का, किसी एक बंदे का जॉब प्रोफाइल मेरे को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे अगर उसका जॉब प्रोफाइल अपडेट करता हूँ, तो ऐसे और कई सारे भी इम्प्लॉय होंगे जिनके जॉब प्रोफाइल्स मुझे अपडेट करने होंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैनुअली जाना पड़ेगा, हर एक बंदे का जॉब प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही हेक्टिक काम हो जाता है कि एक का तो मैंने किया और बाकियों के भी मुझे जॉब प्रोफाइल्स अपडेट करना है। तो अपडेट एनोमलीज, अपडेट एनोमलीज मतलब क्या, कि आपको स्पेसिफिकली मैनुअली जाके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा हर एक चीज। तो जब आप ऐसी चीजें करोगे ऑन अ लार्ज स्केल, एन बाय एन, कैन यू इमेजिन एन बाय एन रिलेशन, तो वो कितना हेक्टिक टास्क होगा, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली टास्क होगा। That is an update anomaly. Okay, so these are the things that you should consider. There is also we call it as an insert anomaly. तो जब भी आप कोई data insert करते हो, जब भी आप कोई entry insert करते हो, okay, you should follow all the constraints जो कि अभी तक हमने देखे हैं, relational constraints जितने भी अभी तक हमने देखे, जब भी आप कोई entry insert करोगे तो सारे के सारे constraints follow होने चाहिए। अभी वो follow होने चाहिए, तो वो constraints check होने चाहिए। अगर वो चेक होंगे मेरी n by n रिलेशन के ऊपर, n by n टेबल के ऊपर, तो सोचो उसको कितना टाइम लगेगा। सोचो वो कंस्ट्रेंट को चेक करने के लिए, उन कंडीशंस को चेक करने के लिए, हर एक एंट्री के लिए जो भी आप इंसर्ट कर रहे हो इस बड़े टेबल के अंदर, कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्टली है, कितना इनएफिशिएंट मेथड हो जाएगा वो जब आप उसे अप्लाई करोगे इतने बड़े रिलेशन के ऊपर। तो ये हो गया मेरा इंसर्ट एनोमली। तो इंसर्ट एनोमली, रिडंडेंसी, अपडेट एनोमली, इन चीजों की वजह से क्या होता है, आपको नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो आप करते क्या हो, मेन जड़ क्या है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है मेरे भाई, इतना बड़ा रिलेशन है, इसलिए सब एनोमलीज और सब प्रॉब्लम्स, रिडंडेंसी जैसी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे को टेबल को डिवाइड कर दो यार, इसे क्या करते हो, डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड कर दो, क्या कर दो, उसे डिवाइड कर दो। मतलब इतने एट्रीब्यूट्स एक टेबल में चले जाएंगे, इतने एट्रीब्यूट्स दूसरे टेबल में, इतने एट्रीब्यूट्स तीसरे टेबल में, ऐसे आप एन टेबल्स बना दो और उन टेबल्स को लिंक कर दो। सिंपल सी बात है। तो उसमें क्या होगा, जब भी आप इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट एनोमलीज भी नहीं होगी, बिकॉज वहां पे चेकिंग के लिए जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं और जितनी भी एंट्रीज होंगी वो कम होंगी, तो ऑब्वियसली इंसर्ट एनोमली ज्यादा नहीं होगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मलाइजेशन का जो सबसे हाईएस्ट इंपैक्ट पड़ता है वो पड़ता है रिडंडेंसी के ऊपर। रिमेंबर, जो भी अभी हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बीसीएनएफ देखने वाले हैं, उनका सबसे मेन फोकस, मेन मोटिव यही होता है कि भाई साहब जो भी आपके टेबल के अंदर रिडंडेंसी प्रेजेंट है, रिपीटेशन ऑफ एंट्रीज, रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट है, उसे किसी तरीके से एलिमिनेट किया जाए, उसके लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, इस टेबल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इंटू दिस, 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 ऐसे बहुत सारे टेबल्स में डिवाइड कर दिया। ओके,
एंड जो नॉमिनल साइज कही जाती है एक परफेक्ट स्मॉलेस्ट एटॉमिक नॉर्मलाइज्ड टेबल की, एक परफेक्ट स्मॉलेस्ट एटॉमिक नॉर्मलाइज्ड टेबल की, वो होती है 2। मतलब जहां पे मेरा जो टेबल है, मेरा जो टेबल है उसमें सिर्फ मैक्सिमम या फिर एटमोस्ट यू कैन से मैक्सिमम सॉरी नॉट एटमोस्ट मैक्सिमम यू कैन हैव 2 एट्रीब्यूट्स या फिर 2 कॉलम। मतलब 2 कॉलम वाला अगर आपने टेबल अचीव कर दिया है दैट मींस इट इज एट द मोस्ट क्या बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, इट इज द मोस्ट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ गिवन रिलेशन अगर आप ये अचीव करने में कामयाब होते हो तो। तो ये अचीव करने के लिए अभी हम नॉर्मलाइज्ड फॉर्म देखने वाले हैं जहां पे 1NF 2NF 3NF सारे फॉर्म्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं रिडंडेंसी जो भी होगी आपके डेटा की उसे रिड्यूस करने में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, हालांकि एक बहुत ही इंट्रोडक्शन वीडियो था नॉर्मलाइजेशन के ऊपर जिस आपको एक बेसिक आइडिया दी होगी कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्या है और नॉर्मलाइजेशन की वजह से हम कौन कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वही 3 मैजिकल चीजें मैं हर वीडियो में कहता हूं जो सिर्फ आप कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर और वेरी इंपॉर्टेंट मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।